स्वयं राजस्व निरीक्षक के अपनी FIR में लिखता है कि एक घाटा संख्या यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर है। अब सौंदर्य से अपने आप साबित हो गया बाहर है और उसी गाढ़ा संख्या के आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कर लिए गए जो बाहर है यूनिवर्सिटी में। सिविल मामलों के आपराधिक मुकदमे में तब्दील कर दिया गया। जंदी भाई गरीबों के मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाला आजम खां कैसे जालिम और गरीब विरोधी हो सकता है। जालिम शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब आप तो जानते हैं कि कैसे जालिम हो सकते हैं तो ये है तो बहुत लंबा, तो सब पढ़ने के बजाय हम बांट देंगे। अरे बाद में बांट देना, बांटे नहीं थे तो बाद में बांट देना, बांट देना। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि वक्फ की जमीन से कब्जा तत्काल जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा हटा गया और बरसों बाद इस तारतम में लूट डकैती की रिपोर्ट आजम खां उनके साथियों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध लिखी गई। डकैती, अब आप तो जान जाते पत्रकार मित्र के डकैती डाली कहीं आजम खां ने या आजम हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। सरकारी जमीन पर सरकारी आवास बनाने के लिए सरकार द्वारा जिन अवैध कब्जों को हटाया गया बरसों बाद अवैध कब्जाधारियों की शिकायत पर शासन द्वारा आजम खां समाजवादी पार्टी को ये लाए नहीं गए, बांट नहीं बांट दिए। तो आप सवाल करिए, वो तो आप पढ़े लेंगे, आप सवाल कर लीजिए। बांटने जब बांट ही दिया है आवाज आ नहीं पाई, कौन बोल रहा, जरा खड़े हो जाओ। हाँ बताओ। पक्ष में रहेंगे और आज आपके सामने में कहना ही चाहता हूँ, आप अच्छा सवाल कर दिया। पहले कह रहे थे हम उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से अपील करते हैं कि आजम को अपमानित करना, अन्याय करना और जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है उसके लिए सारे हमारे कार्यकर्ता नेता तैयार हो जाएं कली और पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर दें और इस आंदोलन हम खुद खड़े होंगे। इसलिए मामूली बात नहीं है। आप सब ये अपील है कि आजम खां कैसे नेता हैं, आपको सबको पता होगा। पढ़ाई लिखाई खैर उन्होंने बहुत अच्छी की थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसके बाद दूसरी जगह भी वो पढ़े, तो पढ़े लिखे और बहुत साधारण परिवार के, गरीब परिवार के, सारे गरीब परिवार के थे। लेकिन आज उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है पूरे देश में। इसे हमारी अपील है अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार मित्रों को आजम के बारे में सब कुछ पता है, तो उससे अगर कमी हो तो बता दीजिए, हम हाँ स्वीकार कर लेंगे। कहाँ ये कमी, तो हम ही कह देंगे प्रेस को। तो इसलिए आज हम आपसे अपील करने आए हैं कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ ऐसा हुआ ही है, पता होगा कि हमारे साथ कितना हुआ, मैं कितने दिन फरार रहा और कितने दिन जेल रहे हम 3.5 साल। इन्होंने हमेशा कोई ना कोई केस मुझे लगा दिया, सब मिला करके जितने केस लगाए गए उन्हें हम फतेहगढ़ की जेल में, बनारस की जेल में, देवरिया की जेल में, जहाँ हम गए वो इटावा की जेल में, मैं कम से कम एक दर्जन जेलों में रहे। लेकिन आपने उस पर मुझे खुशी बात की है, उस पर उस वक्त समा हमारे
पत्रकार मित्रों ने हमारा साथ दिया और लिखा, बहुत अच्छा लिखा आर्टिकल, तो मुलायम सिंह के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आजम खां के बारे में आप जानते हो, कोई गलत काम नहीं कर सकते, किसी से पैसा नहीं ले सकते, रिश्वत नहीं ले सकते, कोई भी जीवन में ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हम आप चाहते हैं, हमारी अपील है, प्रार्थना है कि आजम के बारे में जो हो रहा है अन्याय, उसके खिलाफ भी लिखें, और जो आप जानते हैं उनके बारे में कुछ अच्छी बहुत सी बातें, वो भी लिखें। आज अब कोई और सहारा है नहीं आजम के लिए पत्रकार मित्रों के अलावा, इसलिए हमारी अपील है, हम तो संघर्ष करेंगे ही, लेकिन पत्रकार मित्रों से हमने सोचा कि बता रहे सच्चाई जानते हैं, इतने पत्रकार मित्र हैं, सब पत्रकार मित्र आजम के बारे में सच्चाई जानते हैं कि आजम कैसे नेता हैं और कहां से कहां पहुंचे हैं एक गरीब परिवार से। यही हम अपील करने आपसे आए हैं, और जो सवाल पूछना हो वो आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको ये क्यों लग रहा है कि इन्होंने आजम खां को टारगेट किया है, ऐसा क्यों है नेताजी? आप भाई मैं नहीं सुन पाया क्या कहा नेताजी, आंदोलन आप चलाएंगे? आंदोलन कब से चलाएंगे? आंदोलन कब से चलाएंगे? क्या चाहिए? आंदोलन कब से करेंगे शुरू? जहां तक आंदोलन का सवाल है, आज हम सारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नेता हैं, स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी के मेंबर हैं, उनसे बातचीत करके और हम कल आपको यह परसों बता दें कि आंदोलन कब चले। नेताजी आपको क्या लगा आजम खां को क्यों टारगेट किया सरकार ने? सरकार ने आजम खां को क्यों टारगेट किया, क्यों वो कंट्रोल करा रहे हैं? जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ये सही है, नाम नहीं लेना है, उन लोगों ने कहा ये गलत हो रहा है और इससे पार्टी का नुकसान होगा। क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार में जो आजम साहब के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो जानते हैं कि आरोप तो लगेगा पार्टी की सरकार पर। तो इसलिए कुछ बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि गलत हो रहा है, हमारी पार्टी को नुकसान होगा। ऐसे में समाजवादी एवं भारतीय जनता पार्टी आजम के साथ जो अन्याय हो उसका साथ नहीं देना, अन्याय के साथ उन्हें न्याय दिलाने की जरूरत है। नेताजी एक सवाल है, क्या आजम खां के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे आप? क्या आजम खां के प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे आप? आजम साहब का सदी निशाना यह है कि उनके भाषण से, उनकी विद्वता से, उनके संघर्ष से देश के नेता बन गए, एक गरीब परिवार से उठ करके देश के नेता। आप पूरे देश में लगाइए पता, हर जगह आजम साहब का नाम है। तो इसलिए परेशानी है ये बीजेपी को। अभी तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन जरूरत होगी तो हम प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, जरूर समझें। या तो ये अन्याय जो हो रहा है उसको बंद करेंगे, और नहीं बंद करेंगे तो जहां हम उचित समझे किससे बात करनी तो करेंगे, भी ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री से बात करेंगे या नहीं करेंगे। सवाल है नेताजी, जिस तरीके से अभी जो बाकी पॉलिटिक्स हो रही है, आजम खान का मामला है, अब जो गठबंधन आपका हुआ था मायावती पूरी तरीके से छोड़ गई है, आपको लगता है कि इसका नुकसान कहीं कहीं समाजवादी पार्टी को हुआ इस गठबंधन का? नहीं, समाजवादी पार्टी से परेशान तो है ही बीजेपी <समाना पड़ेगा। laughs> हाँ, वास्तव में समाजवादी पार्टी से परेशान है बीजेपी।
अगर परेशानी होती तो आजम शाह के साथ ऐसा ना करते। हमारे कार्यकर्ता सुस्त हो गए थे, लेकिन आजम खान के साथ जो हो रहा है सारा कार्यकर्ता खड़ा है। फोन खुद करता है कि नेताजी आंदोलन करना है, खुद करते कार्यकर्ता। लेकिन अब आज सवाल कर ही दिया तो हम आज अपील करते, प्रार्थना करते समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, पूरे प्रदेश में, देश में, कि आजम साहब के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो जाए। अच्छा एक कोई दो में से बता दो क्या चाहते हैं। ये सवाल ऐसा नहीं है, जहाँ जैसा समझेंगे उस अन्याय के खिलाफ मैंने कह दिया है कि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और नेता खड़े हो जाएं, जैसा भी अन्याय हो, कुछ भी हो। अरे आपके साथ, पत्रकारों के साथ जब अन्याय हुआ तो नहीं हम खड़े हुए। आप समझ लीजिए कि हमने हजरतगंज से लेकर के पूरा का पूरा वो जो आपके नदी है ओके पुल को घेर लिया, पुल को घेर लिया चारों तरफ से, और जनता को आने दे जा रहा, रोका जा रहा था। तो हम लोग तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं और कितना लड़े हैं आपको बता ही दिया कि मैं 3.5 साल तो जेल में रहे लड़ते हुए, बनारस की जेल में, देवरिया की जेल में, फतेहगढ़ की जेल में, टाबा की जेल में, मैनपुरी की जेल में, कितनी जेलों में हम गए। तो ये सोचना चाहिए कि हमसे टकराए नहीं, अगर आजम को कहीं भी नुकसान करते हो तो वो बर्दाश्त हम करेंगे नहीं। और आपसे भी अपील है, हमेशा पत्रकारों ने एक सही बात को लिखा है, हमेशा पत्रकारों ने, तो अगर हमारी गलती हो, आजम की गलती हो, आप लिखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हम कभी आपसे कहते भी नहीं क्यों लिखा, लेकिन ये मामला ऐसा है जिसमें आजम साहब के साथ ऐसा हो रहा है, उनके पक्ष में जरूर आप बात कीजिए और लिखिए। नेताजी समाजवादी पार्टी संघर्ष के रूप में जानी जाती थी। क्या कारण है आजम खान के इतने मरता हो जाने के बाद आज आपको अपने से लोगों से कहना पड़ रहा है कि संघर्ष में आइए? क्या कारण समाजवादी पार्टी संघर्ष नहीं कर रही? कहना नहीं पड़ रहा, वो फोन कर रहे हैं हमें। हाँ पूरे प्रदेश के नेता कार्यकर्ता वास्तव में अभी आपके सामने हम देरी से आए हैं, तो इस वजह से आए कि 3 लोग हमसे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं प्रेस में जा रहा और आज अपील करता हूं कि सारे नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के समर्थक यार खड़े हो जाएं। अगर कल तक नहीं आजम के साथ न्याय होता है तो परसों से संघर्ष में निकले सब। बीजेपी से अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी तो अन्याय कर रहे हैं ये अधिकारी, और अन्याय कर रहे अधिकारी, लेकिन बीजेपी को चाहिए कि आजम जैसे नेता के साथ अगर अन्याय सुन लीजिए अन्याय हो रहा है तो बीजेपी को हस्तक्षेप करना चाहिए था, नहीं किया। शिवपाल यादव आपका साथ देंगे? ये कह रहे हैं प्रगतिशील साथ देगी, बिल्कुल प्रगतिशील पार्टी साथ देगी। शिवपाल का क्या कह रहे हैं? साथ देंगे आपके साथ इस मुहिम में, ये कह रहे हैं। शिवपाल तो लड़ी लेता है और फिर मेरा भाई है और कार्यकर्ता भी है, नेता है,
तो वो तो पार्टी भी लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे। देखें बात तो पूरी हो चुकी है, अब जो एक आदम महत्वपूर्ण कोई सवाल हो, अरे सुन लीजिए, कोई महत्वपूर्ण सवाल हो तो खड़े होकर के पूछ लीजिए। अब चार लोग बोल रहे हैं तो हम किसका जवाब दें, समझ ही नहीं पा रहे कि कौन क्या कह रहा। अरे इतना लंबा वो नहीं जो उतनी एक सही है कि समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई है, और चुनौती इसलिए है कि आजम खां मामूली नहीं देश के नेताओं में माने जाते हैं, और उनके साथ इस तरह से उनके परिवार के, अब क्या बताया आपको, महिलाओं के बीच कूद पड़ी पुलिस, ये मामूली बात नहीं है। ऐसा सोचिए कि महिलाओं के बीच क्यों गई पुलिस, उनसे क्यों बात की, उनसे क्यों बात की, महिलाओं से बात करेंगे बताइए ये कीजिए वो कीजिए। तो अब तो हम तो अपने नेताओं से बात करके मामूली नहीं संघर्ष हमेशा किया है, तो ये संघर्ष और होना है। अब बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि आपकी सरकार में ये हो रहा है, और किसी सरकार में ऐसा अन्याय नहीं होता है जैसा बीजेपी की सरकार में अन्याय हो रहा है। अरे ऐसे सवाल क्यों करते हो, सवाल ऐसे करो जो महत्वपूर्ण हो। देखो सबके किसी हम एक अपनी पार्टी के लिए नहीं, पत्रकारों के साथ जब अन्याय हुआ तो नहीं लड़े हम, बताइए हजरतगंज से लेकर के वहाँ तक हमें घेर लिया, वहाँ गिरफ्तार कर लिया और नहीं जाने दिया वहाँ तक, तो हम तो पत्रकारों के लिए लड़े, कोई नहीं लड़ा पत्रकारों के लिए, अगर लड़ा है लड़े हैं तो हम लड़े हैं, हमारी पार्टी लड़ी है। नेताजी 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 सर इस साइड इस साइड इस साइड। जहाँ तक ये सवाल है पाकिस्तान का और सबका कुछ जो कहते, इसकी अभी जरूरत बोलने की नहीं हमें, लेकिन इस पर तो हम सोच समझ के आप लोगों से पत्रकार कुछ मिलते हैं उनसे भी बात करेंगे और भी बात करेंगे। ये फिर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होगा, अभी तो पाकिस्तान के दो विचार हैं, एक पाकिस्तान के लोग हैं वो कहते कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कर रहे थे उनके आपसी में अभी मतभेद हैं, अभी निर्णय एक दफा पाकिस्तान ने नहीं ले पाया है, जो कर गए वो कर गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं पाकिस्तान में भी वो सोचते हैं कि ऐसा इस मामले में हमको पढ़ना नहीं चाहिए था। नेताजी ये सवाल ये है कि पार्टी का चुनाव जब खत्म हुए और उसके बाद से पूरी प्रक्रिया में कई सांसदों ने आपके इस्तीफा दे दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पार्टी एक संकट में है, क्या पार्टी के अंदर कोई रिव्यू हुआ इस बात के कि ये जो पार्टी की दुर्गति हुई हार हुई उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने पार्टी स्थापित की थी, आपने सब कुछ देखा, आप सीधे जिम्मेदारी पे नहीं थे, लेकिन इस हार के पीछे रिव्यू जो हुआ आपका क्या मानना है कि ये हार ऐसी क्यों हुई, क्यों लोग पार्टी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं और अलायंस के बाद भी सिर्फ सीटों की संख्या आपकी 4 या 5 है। चलिए धन्यवाद, आपने इतनी लंबी बात कही तो कुछ तो हमारे पक्ष में भी कही, समाजवादी पार्टी के पक्ष में कही, और कुछ बात जो दल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ एक शब्द है आपका, लेकिन आपसे अपील हमारी है कि पत्रकार जो हैं वो बनाते हैं हवा और वो लिखते हैं उस पर लोग विश्वास करते हैं,
हम बोलेंगे तो विश्वास करेंगे, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन पत्रकार मित्र लिखेंगे तो इस पर सब विश्वास करते हैं। तो मेरी अपील है कि ऐसे अवसर पर आजम खां के साथ जो अन्याय हो रहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है, आजम साहब के परिवार के महिला या उनके रिश्तेदारों ने वहाँ जाके छापा मारा है। अब वो बात अलग है, आज का मुद्दा अलग है। अब मुद्दा के ये कभी पूछ लेना प्रेस करें तो सब। आप तो जो अन्याय हो रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के, उस संबंध हम कहेंगे आपसे अपील है, आपसे प्रार्थना है कि आप जानते हैं कि आजम खां कितना शिष्टाचार आपके बीच है, कितनी मीठी बात करते हैं, कितना संघर्ष, कितना अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, तो उनके साथ जो हो रहा है उसमें मदद करें, ये हमारी आप लोगों से प्रार्थना है।